जय श्री श्याम आप सबको, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय क्लासेस द म्यूरल बुटीक, कम एंड लर्न विद अस। आज हमारा ये लेडी विद फ्लावर्स का फोर्थ सेशन है। ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। हेलो परमिंदर जी, हेलो सोमा जी, ज्वाइन करिए। फिर हम आज अपना ये नोज, आईज, लिप्स, इसके डिटेलिंग करेंगे। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, आई एम वेटिंग। ओ थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू। हेलो मेघना जी, हेलो नीता जी, हेलो सुनीता जी, हेलो पिंकी जी। चलिए हम हमारा आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ना आप सब वेट करें। देखिए चलिए हम आईज में स्टार्ट करते हैं। आईज से चलिए पहले हम नोज करते हैं ना, फिर आईज करते हैं। और रेफरेंस पिक अपने पास ही रखना है। ये देखिए मैंने लास्ट टाइम नहीं कंप्लीट कर पाई थी, मैं इस बार मैंने ये लीव्स सारी बना दी है। हेलो सुजाता जी, पहले हम नोज करेंगे। और क्रैक्स जो है ना, उसका क्रैक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। हेलो ज्योति जी, ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे दो बॉल्स हेलो अलका जी, एकदम एक साइज के लेने हैं। छोटे बड़े हो जाएं तो उसको आप रिमूव कर लेंगे, है ना, इक्वल रखना है, ठीक है। ये देखिए ये इस साइड और ये इस, ठीक है। अब इसको हमको क्या बोलिए। हेलो स्वाति जी, गुड आफ्टरनून। इसको देखिए हम ना इसको जैसे रेफरेंस में है बस उसको देख के वैसा ही हम मर्ज करते चले जा रहे हैं, है ना। रेफरेंस पिक को अपने पास रखना है। मेरा हाथ क्लियर है ना सबको, कैसा वर्क कर रही हूँ मैं, दिख रहा है ना वो क्लियर। ओके थैंक यू परमिंदर जी। आप में से कोई भी एक जन भी अगर मुझे रिप्लाई करते रहेगा ना तो मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ आप सबको जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर है। ओके ये देखिए अब ना यहाँ एकदम क्लीन
मैं बार बार बोलती हूँ क्रैक्स की चिंता नहीं करनी है, अगर पानी लगा के आपके में फिनिशिंग आती है सो डू दैट ओनली, ओके, बट फोकस ऑन फिनिशिंग। अब आप सब मेरा ये नाइफ चलाने का तरीका देखेंगे, देखिए है ना, ये ऐसा हमारा नॉस्ट्रिल ऐसा कट होता है, देखिए इस साइड से भी मैं चला के दिखाती हूँ, ये हमारा नॉस्ट्रिल ऐसा कट होता है, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दे रही हूँ अभी। ये देखिए है ना, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ओके ये देखिए ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देखिए छोटा सा क्ले लेके हम यहाँ इसको ऐसा फिनिश, और उसके बाद आप ऐसी कोई ब्रश लेकर उसको आपको फिनिश, हेलो अंबिका जी, हेलो मीनू जी, ये देखिए है ना, एक सेकंड, ये देखिए। उसके बाद ना ये देखिए मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, ये नोज का हमारा जो ये ऐसा टर्न पोर्शन होता है ठीक है, ये हमको ये नोज ऐसा पूरा बनता है दिखा रहे हैं मैं, बट हमको अभी सिर्फ ये लोअर पोर्शन बनाना है, इसलिए ये देखिए ये ऐसा एकदम दबा हुआ पतला सा ऐसा नोज नहीं बनाना है ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। हेलो निशी जी, हेलो दीदी, लेकिन राज में जो काम हो सही भी हो सकते हैं।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि यही सही है। बना अभी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू दीदी। ये देखिए, ठीक है। हेलो श्वेता जी, क्लियर? नोज का पार्ट क्लियर? ऐसा क्लियर, ऐसा करना है। हेलो अदिति जी, ओके। वर्क मैम, वर्क इन मेन वर्क इज फेस, यस, ठीक है। इसका जो राउंड होगा वो हमको प्रॉपर रखना है ना। ये देखिए, ठीक है, चलिए। हाँ नीतू जी, ऐसी बात नहीं है, आप पूरा फुल कंसंट्रेशन से बनाइए, ज़रूर बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार बिगड़ेगा। और ना इसमें जो फिनिशिंग है वो हम नेक्स्ट टाइम और देंगे, एक साथ करने से ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए अब हम करेंगे फेस। अब हम इसका मेन जो लिप्स का पार्ट है, एक सेकेंड, वीडियो आपको क्लियर है कि नहीं? अभी क्लियर है ना? एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेटवर्क का आज प्रॉब्लम है, बट आप लोग को लगे तो प्लीज़। हाँ थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। चलिए रिशु, अच्छा हो गया, हो गया। ये देखिए, ये जो लिप्स का सेंटर है वो मैं यहाँ एक्सटेंड कर दे रही हूँ ताकि हमको इशू ना हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ तक लिप एंड होगा, इससे बड़ा हमको नहीं करना है, ओके, ठीक है। ये हमने सेंटर मार्क कर लिया बाहर की तरफ, और ये हमने लिप्स का एंड मार्क कर लिया। अब हम लिप्स का पार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमको एक टुकड़ा लेकर, ऐसा है ना, क्ले का, इस तरफ पतला है, इस तरफ मोटा है। अब मैं इसको ऐसा सेंटर में अप्लाई करूंगी और इसको ऐसा मर्ज करूंगी, ठीक है। हेलो रिंकी जी, हेलो निकिता जी, मैं इसी तरह और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहूँगी, प्लीज़ आप सब। और अरे व्हाट हैपेंड, आप सब बस मेरे पेज को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ओके। मेरा चैनल का नाम है द म्यूरल बुटीक। यहाँ पे ना अभी हमको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए हमारा नोज़ का जो वर्क है वो अभी गीला है, और अगर हम अभी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हमारा जो नोज़ का पोर्शन है वो बिगड़ सकता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर वर्क एंड हैव पेशेंस विथ योर वर्क, यू विल डू एन अमेजिंग वर्क, ओके।
ओके थैंक यू. जिन्होंने नहीं किया है दे ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है. ये जो हमारा जो लिप्स होगा, एक तो ये देखिए ऐसा बादाम जो होता है ना उस शेप में होगा. प्रेशर साउंड कम करना बेटा. और दूसरा ये देखिए इस तरह से है ना. पानी का हाथ लेकर नाइफ में धीरे धीरे करते जाएं. हेलो मीनल जी. चलिए ये देखिए इसको हमको अब ये मैं पीछे की तरफ प्रेस कर रही हूँ. देखिए ये देखिए ठीक है. एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है निकालते जाइए. आप ना इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे. जो भी लिप्स बना रहा है वो 2 से 3 बार देखेंगे और उसके बाद ही ट्राई करेंगे. ठीक है. इट्स माय रिक्वेस्ट. ठीक है. अब इसको देखिए मैं ऊपर की तरफ ऐसा ऊपर की तरफ प्रेस करना है. ऊपर की तरफ ठीक है. ये देखिए ये ऐसा इस तरह से ऊपर की तरफ ठीक है. किस तरह से मैंने उसको ऊपर की तरफ प्रेस किया है वो क्लियर है ना. ऐसा उठाना है हमको. ठीक. यस और नो रिप्लाई कर दीजिए. ठीक है. अब जैसे ही हम उसको हमने ऊपर की तरफ प्रेस किया ये बैक साइड ऑफ ब्रश है ना. बैक साइड ऑफ ब्रश लेकर सेंटर ऑफ द नोज से हम उसको थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरह से. ठीक है. ओके थैंक यू. थैंक यू अदिति जी. थैंक यू कनक जी. ये देखिए ठीक है. चलिए अब हम लेंगे इसका नीचे का पोर्शन. एक चीज और इसमें है वो क्या है कि जो साइड्स है जो एंडिंग है यहाँ पे ऐसा होल है. ऐसा.
अब नीचे का लिप हम फेविकॉल लगाएंगे, इनके जो लिप्स है ना थोड़े मोटे और ब्रॉड, यस एग्जैक्टली सोमा जी करेक्ट। ये देखिए अब मैंने छोटा ले लिया बॉल, इसको ऐसा थोड़ा रोल करके इसको इस तरह से हमको अप्लाई करना है। ठीक है अब इसको हमको मर्ज करना है। थैंक यू नीतू जी। ये देखिए ठीक है इस तरह से, और अब यहाँ पे हमको एक क्लियर लाइन दिखानी है, ये देखिए सॉरी ये सब ना सेटिंग करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये नाइफ को लेकर ये लिप्स को ऐसा बाहर, ये राउंड दिखना चाहिए ठीक है। ठीक है थैंक यू परमिंदर जी। इस तरह से ये हो गया हमारा लिप का पार्ट रेडी। थोड़ा इसमें करेक्शन होगा बट वो हम आज सेम डे नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सेम डे अगर सब कुछ करेंगे ना तो वो क्या होता है थोड़ा सा खराब होने का। अभी आइस करेंगे हम, ये वाली आइस तो मैं नहीं करूँगी, बस ऐसे ही हम उसमें एक बॉल लगा देंगे, बट वी विल डेफिनेटली डू दिस आई, और फिर हम थोड़ा सा अगर हो पाएगा तो हम इनके जो हेयर्स हैं हेयर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा पार्ट है उसमें, तो उसमें क्या है थोड़ा बहुत मैं कंप्लीट करके रखूँगी। यहाँ भी ना हमको नेक्स्ट टाइम ये फिनिशिंग करनी होगी, यहाँ ये फिलिंग होगी बट ये मैं अभी नहीं करती, ये ना इससे लिप हमारा खराब होने का डर। कुछ गड़बड़ होगा भी तो नेक्स्ट क्लास में वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है। चलिए अब आईज का इस साइड का पार्ट तो मैं बताती हूँ एक बार पहले ये वाला, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ ना सिर्फ ये देखिए ऐसा एक फिल कर दे रही हूँ कि वो उभरा हुआ अलग से ना लगे। ओके थैंक यू कनक जी। आई पे फोकस, क्लोज्ड आई बनाना है इसमें, आईज आर क्लोज्ड। ओपन है क्या आईज, क्लियर नहीं है इसमें। क्लोज्ड आई ही होगी शायद। Yeah.
ये देखिए ऐसा बादाम की शेप है ना, बादाम का शेप में हमने बनाया। इसको तो मैंने ऐसे ही फिल कर दिया है। इस आई को हमको यहाँ के लिए ना पहले हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, ये देखिए, फिर हम आई लगाएंगे है ना। अब इसको हम ऐसा लेंगे, जब आप मिरर के सामने खड़े होके अपना फेस देखेंगे ना, तो आपको आई आईब्रोज के नीचे और आंख की तरफ आते हुए एक ये प्लफी एरिया दिखेगा, ओनली मसल्स, और ऐसा ऐसा फुली हुई ऐसा दिखेगा आपको कुछ। आप एक बार देखेंगे अगर, तो वो ही हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ओपन है। ओके, ओपन आई बनाएंगे कनक जी। चलिए ओपन आई के लिए ना नो प्रॉब्लम सीमिता जी, आप देखिएगा ओपन आई के लिए मैं बताऊंगी अभी है ना डिटेल। ऋषा मम्मा का वो ब्रश वाला बॉक्स दो ना, ठीक है। अब उसमें बेटा टप में ये देखिए, अभी तो क्या है हमारी एक ही आई विजिबल है ना, तो हमको लाइन करेक्शन ये सब का देखने का। जी 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 कनक जी, आई अंडरस्टूड। अभी नहीं, वरना अगर आप नॉर्मल बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, ये जो हमारी लाइन होती है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन में हमारी दोनों आई होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मधुलिका जी। ऐसा हमने आई ज्वाइन किया, हेलो हेलो शीला जी, हेलो मधुलिका जी, खत्म हो गई, खत्म खत्म। हाँ मेरे पेज पे भी है नीतू जी, और मेरे मैंने यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दिया है, क्योंकि फेसबुक पे क्या है बहुत सारे वीडियोस होने से ना वो मिक्स हो जाता है, तो मैंने इसको यूट्यूब पे सेव कर दिया है, आप उसमें जाके देख सकती हैं। सब सेशंस उसमें अपलोडेड हैं 1 से लेके 3 तक अभी, और आज का जो चौथा वीडियो है हमारा मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप सब यूट्यूब पे भी मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्रैक्स के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्रैक्स पे फोकस नहीं रखना है, मैंने बार बार बोला। ये देखिए ठीक है, ऐसे हमने आई बनाई। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, आई थोड़ी मैं छोटी करूंगी, थोड़ी बड़ी लग रही मुझे।
क्रैक्स तो आएंगे ही नीतू जी, क्रैक्स ना क्ले की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम नहीं बचा सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए हमारा ये आई की लाइन, ये देखिए आई की लाइन है ना हमारी, उसी पे हमको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं इसका जो सेंटर पार्ट है जिससे हमको लगेगा कि हमारी आंखें खुली हैं ना, भी बहुत ढीला है, इससे क्या होगा आप सबको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। मैं इसका एक ऑप्शन बताती हूँ, देखिए दो ऑप्शन है, एक तो आपको अभी गीले में ही कार्विंग करनी है, मैं बता रही हूँ कैसे, और वरना मैं एक और ऑप्शन बताती हूँ, है ना, वो थोड़ा इजी होगा आप सबके लिए। देखिए ये यहाँ हमको एक राउंड निकालना है आई बॉल का, ये देखिए ना इस तरह से मैंने एक राउंड स्पेस वहां से निकाला है, सॉरी मेरा हाथ आ गया क्या, अभी देखिए ये देखिए वहां हम एक होल क्रिएट कर रहे हैं। इसे ना आईज ओपन का लुक आता है, आई बॉल बना रहे हैं हम। मुझे पता है ये माजरा क्या है,
ये देखिए है ना, अब इसके बीच में हमको एक चीज और करनी है, वो मैं बता रही हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ये, बट अच्छा लगता है इसे। है ना, ये देखिए, अब हम छोटा सा एक पार्ट लेकर और ऐसा कुछ, इसको मैंने ऐसा लॉक जैसा छोटा, ये देखिए, ठीक है। और इसमें और वर्क होगा आईज में भी, बट वो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इज इट ओके? चलिए इधर थोड़ा सा ना बाल का पोर्शन करते हैं। मैं इसको और करेक्ट करेंगे हम आईज को, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना करके रखें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। जैसे हमको अभी फेस लिप्स में भी और बहुत सारा काम होगा इसमें, क्लियर है? ये देखिए, अब पहले हम इधर फोकस करती हूँ मैं। हेलो पूनम जी, जय श्री श्याम। अभी देखिए यहाँ से इनका हाथ आ रहा है, और हाथ के जस्ट बाजू ये देखिए, ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये आएगा हमारा गला है ना, और ये यहाँ तक गला रहेगा, तो हम उसको पूरा बनाना होगा नेक। केक दे दे, गला बना रहे हैं हम पूरा।
ये देखिए, ठीक है, इस तरह से नेक बनाएंगे। और अब ये देखिए, इस तरह से हमको हेयर्स के लिए पतली पतली पट्टी है ना। ये देखिए, इस तरह से हमको ऐड कर, ये इनके बाल है। और अब जैसा कि मैंने बताया था, पेंसिल, कोई भी पेंसिल लेकर इसको हमको चलाना है। इस तरह, ठीक है, एक और पतली लेयर बाल के लिए। ये देखिए, है ना, ये देखिए, जैसा जैसा डिफरेंस पिक में है बस सेम टू सेम करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां से देखिए, एक यहां से ऐसे आएगी लट, ऐसे, और वो जाएगी यहां से, है ना। थैंक यू सुची जी। एक सेकेंड, ये देखिए, पानी से इसको ये साइड जो है पतली रोल करके हमको ऐसा पतला फिनिश करना है। और ये आएगा हमारा, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ मुड़ जाएगा और ये जाएगा इस तरह से। Sorry, sorry, sorry.
जरूरत है ये इस तरह से, है ना। अब इसको मैं क्या करूँगी, पहले नाइफ से फिनिश करके इस तरह से मर्ज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे वो नेक्स्ट जो इनका लेयर है वो अप्लाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे, है ना। चेंज कर रही है, कर रही है चेंज। अब इसमें हमको इम्प्रेशंस देने हैं, जैसा हमने हेयर्स के लिए इसमें दिया है। ये देखिए, है ना। वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद देखिए, अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ, ये कोई भी फ्लैट ब्रश लेकर उसको पानी में डिप करूँगी और इसको मैं ऐसा फिनिश। Thank you.
है इतना, अभी एक बार आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये डरावनी लग रही है ना, बट ये कवर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं बना है, तो अभी ये भूतनी लगेगी ही, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट आगे का सेशन होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आधी आंख और ऐसे बाल बिखरे हुए, तो अभी ये भूतनी लग रही है। देखिए, ठीक है, आगे आगे का सेशन हम कल करें, नेक्स्ट संडे, संडे को करेंगे ज़ॉम्बी। हाँ, ज़ॉम्बी लग रही है ये, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम। और हम मिलेंगे अभी 5:30 बजे के सेशन में, तब तक आप सब वेट करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।